हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। मैं आप लोगों के लिए ये बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट वीडियो लेकर आया हूं, जो कि हमारे पीएम किसान योजना के, जो कि 2000 रुपीज़ बेनिफिशियरी स्टेटस जो हम लोगों को देखना था, उसके जो काफ़ी प्रॉब्लम फेस कर रहे थे किसान लोग, उसी के लिए मैं ये वीडियो लाया हूं कि उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम फेस हो रही थी कि उनके में कोई RTS लिख के आ रहा है, कोई FTO लिख के आ रहा है, काफ़ी प्रॉब्लम फेस हो रही थी। ये मैंने भी प्रॉब्लम थोड़ी सी फेस की है स्टेटस चेक करने पर, इसलिए मैं ये वीडियो लाया हूँ उन लोगों के लिए कि जिनको जिसके में FTO लिख कर आ रहा है, RTS लिख के आ रहा है, तो उनका मतलब क्या है। कुछ लोगों को ये, किसानों को पता नहीं है, इसलिए मैं लेके आया हूँ। उनका थोड़ा सा लेट भी हो रहा है इंस्टॉलमेंट आने में, 8वीं जो किस्त थी वो अभी लेट आ रही है कोविड की वजह से, इसलिए चलिए मैं वीडियो में पूरा बताऊँगा। पूरा वीडियो एंड तक देखिएगा, अच्छा लगेगा आपको तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। पिछले मंथ के अकॉर्डिंग यहाँ पे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम के अकॉर्डिंग जो हमारा इंस्टॉलमेंट था वो लेट कोविड की वजह से हो गया है, जिसमें कि जो हमारी 2000 रुपीज़ का इंस्टॉलमेंट था वो उसमें साइन जो हमारे स्टेट गवर्नमेंट था उसका साइन अप्रूवल की वजह से थोड़ा सा लेट हो गया था, इसी वजह से थोड़े हमारी जो है डिले हो गया है 1 मंथ का इसमें, इसलिए ये मई के मिड वीक तक सभी के अकाउंट में आ जाएगी। जिनका लिस्ट और जिनके जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा वो हमारे सही होंगे तभी आएगी उनकी, क्योंकि काफ़ी लोगों के रिजेक्ट कर दिए गए हैं डॉक्यूमेंट, जिन्हों का जिन लोगों की डॉक्यूमेंट गलत थे इस वजह से। चलिए आगे करते हैं वीडियो की तरफ। पिछले 2 दिन के अकॉर्डिंग मैंने न्यूज़ में देखा है तो जो यहाँ पर लिखा हुआ है पीएम किसान में अप्रैल जुलाई की किस्त का इंतजार कर रहे करोड़ों किसानों की खुशखबरी है कि राज्य सरकार ने RFT साइन कर दिया गया। ये देखिए बहुत ही अच्छी खुशखबरी आई है किसानों के लिए, जो कि हमारी राज्य सरकार जो सेंट्रल गवर्नमेंट है हमारी, उन्होंने साइन कर दिया गया। अब जो स्टेट गवर्नमेंट होगी, जो स्टेट गवर्नमेंट के अंदर जितने भी डिस्ट्रिक्ट आ रही होंगी उनके जितने भी किसान बेनिफिशरी स्टेटस होगा उनका जो लिस्ट में आए होंगे उनको ये 2000 रुपये का लाभ मिल सकता है, इसलिए उनके खाते में बैंक सीधे डायरेक्ट ट्रांसफ़र हो जाएंगे। और स्टेटस चेक करने के लिए हम आपको बताएंगे कैसे आप लोग स्टेटस चेक कर सकते हैं। ये देखिए हमारे पीएम किसान सरकार ने कर दिया RFT साइन कर, जल्दी 8 भी किस्त तो फ़ौरन चेक करें स्टेटस। स्टेटस चेक करने के लिए मैं आप लोगों को बताऊंगा, वीडियो का पूरा एंड तक देखिएगा कैसे आपको स्टेटस चेक करना है। जो लोग भी नहीं जानते कैसे स्टेटस, बहुत ही ईजी ट्रिक है जो कि आप कैसे स्टेटस चेक कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोगों को गूगल पर जाना पड़ेगा, वहाँ पे हम लोगों को पीएम किसान सम्मान निधि भी डाल सकते हैं और या फिर आप बेनिफिशियरी स्टेटस भी डाल सकते हैं। अगर वो नहीं डाल सकते हैं तो हमारी ये देखिए वेबसाइट दी गई है pmkisan.gov.in पर जाकर आप लोग फार्मर कॉर्नर पर जाएंगे, वहाँ पर बेनिफिशियरी स्टेटस होगा, उस पर ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और वहाँ पर आधार कार्ड का जो हमारा नंबर होगा वो मांगा जाएगा, फ़ोन नंबर मांगा जाएगा और जो आपके पास बैंक अकाउंट होगा जिसमें आपने लिंक कराया होगा, आपने पूरे जब रजिस्ट्रेशन कराया होगा उसमें आपको वो मांगा जाएगा। तीनों में से आप कोई भी एक डाल देंगे तो आपकी बेनिफिशियरी स्टेटस आ जाएगा, कब आपका इंस्टॉलमेंट आना है, कब आपका पूरा वेरिफिकेशन आना है, पूरा डेटा आ जाएगा आपका। आपके स्टेटस में अगली किस्त के बारे में वेटिंग अप्रूवल बाय स्टेट या RFT साइन स्टेट बाय गवर्नमेंट या FTO जनरेटेड पेमेंट कंफर्मेशन पेंडिंग लिखा होगा, तो इसका मतलब मैं आपको बताऊंगा क्या होता है FTO, RFT या वेटिंग लिस्ट अप्रूवल बाय स्टेट गवर्नमेंट। यदि वेटिंग फॉर अप्रूवल बाय द स्टेट लिखा है तो इसका मतलब है कि आपका पोर्टल में स्टेटस चेक करने आपके लिए अगली किस्त के लिए वेटिंग फॉर अप्रूवल लिस्ट लिखा है, तो ये मान लीजिए कि 2000 रुपये की रकम थोड़ा आपको वेट करना पड़ेगा, क्योंकि जो राज्य सरकार की मंजूरी दी गई है कि आपको उपलब्ध कराया गया जो भी डॉक्यूमेंट आपका वेरिफिकेशन होगा वो RFT साइन में भेज दी गई है, जो आपका वेरिफिकेशन हो जाएगा तो आपका अप्रूव्ड हो जाएगा इसका, इसलिए वेटिंग फॉर अप्रूवल बाय स्टेट गवर्नमेंट लिख कर आ रहा होगा। अब पीएम किसान सम्मान निधि की वेबसाइट पे आप लोग देख सकते हैं इंस्टॉलमेंट फर्स्ट सेकंड थर्ड पूरा इंस्टॉलमेंट की पूरी डिटेल होगी। मैं आपको थोड़ी देर बाद पूरा आप चेक करके दिखाऊंगा मेरा कैसा भी स्टेटस है, कैसे इंस्टॉलमेंट दिख कर आ रहे हैं। RFT का फुल फॉर्म है रिक्वेस्ट फॉर ट्रांसफ़र, जो कि रिक्वेस्ट डाल दी गई है राज्य सरकार में, जो कि हमारे डेटा जो कि हमारा वहाँ पर मेंटेन है वो जिन जिन का डेटा स्टेटस बिल्कुल करेक्टली है तो उनका पूरा डाल दिया गया डेटा, जो कि पैसे उनके ट्रांसफ़र आ जाएंगे, खाते में सीधे भेजे जाएंगे। और अगर आपके में जनरेटेड बाय द पेमेंट कंफर्मेशन पेंडिंग मैसेज दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब है आपकी किस्त जल्दी आपके खाते में आ सकती है। और अगर FTO फंड FTO लिख कर आ रहा है आपके ऊपर इंस्टॉलमेंट पे, 8th इंस्टॉलमेंट लिखा होगा उसके नीचे जस्ट FTO साइन लिखा होगा, तो उसका मतलब है आपका फंड ट्रांसफ़र ऑर्डर, इसका मतलब है कि राज्य सरकार द्वारा लाभार्थी का आधार नंबर, बैंक खाता सभी और IFSC कोड शुद्धता मतलब करेक्टली मैच कर गए हैं, जिससे आपकी किस्त जल्दी से जल्दी ही आ जाएगी। ये देखिए ये अभी मैं आपको चेक करके दिखाऊँगा, मेरे स्टेटस में FTO लिख कर आ रहा है। ये देखिए कुछ इस टाइप का पेज ओपन होगा जो कि मैं अभी आपको ओपन करके दिखाऊँगा। चलिए मैं ओपन करके दिखाता हूँ।
जो कि हमारा ये ओपन हो जाएगा। इसको हम लोग जैसे ही करेंगे तो ये देखिए मैंने बताया था आपको, आधार कार्ड नंबर, अकाउंट नंबर, मोबाइल नंबर, जो कि हम लोग ये डालेंगे तो हमारा पूरा का पूरा जो हमारा स्टेटस है वो आ जाएगा। चलिए मैं अपना आधार कार्ड नंबर डालता हूँ इस पर। ये देखिए जो मैंने चेक किया अपने अकाउंट में, ये देखिए FTO जनरेट बाय पेमेंट कन्फर्मेशन पेंडिंग लिख कर आ रहा है, जो कि मेरी जो किस्त जो भी किस्त मेरी 5th इंस्टॉलमेंट है मेरा, मतलब बाकी सबका 8th इंस्टॉलमेंट है जो मैंने स्टार्टिंग से कराया होगा। ये देखिए मेरे में FTO जनरेट बाय द पेमेंट कन्फर्मेशन लिख कर आ रहा है। ये देखिए मेरे और भी इंस्टॉलमेंट आ रही है लिख कर, ये देखिए FTO जनरेट लिख कर आ रहा है। चलिए वीडियो की आगे तरफ बढ़। आपको वीडियो अच्छा लगा होगा यहाँ पर आप भी डाल सकते हैं, अकाउंट नंबर भी डाल सकते हैं, मोबाइल नंबर भी डाल के चेक कर सकते हैं आपके में क्या लिख कर आ रहा है। आपको अच्छा लगा होगा वीडियो, प्लीज़ चैनल मेरी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। टेक्निकल राजपूत ब्लॉग, थैंक यू, जय जवान जय किसान।